नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और नए नए पौधों की खोज में होंगे। आजकल तो बारिश का मौसम है, कौन सा पौधा आपको मिल जाए अच्छा फ्रेंड्स के यहाँ या फिर कटिंग में या नर्सरी में? तो हम सब यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा पौधा, फूल देने वाला या खूब सारी पत्तियों वाला मिल जाए तो हम अपने गार्डन में ऐड करें। दोस्तों ये हमारे गार्डन का सबसे बेस्ट प्लांट है, देख सकते हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया था और आज इसकी हालत देखिए कि पूरा अपने बोझ से लद गया है। और ये देखिए अभी कुछ टहनियों में फूल आ रहे हैं और कुछ में नहीं आ रहे हैं। उधर मैंने दिखाया तो दो ब्रांचेस हैं इसकी जिसमें फूल बने हुए हैं। देखिए एक ब्रांचेस ये है इधर, ये देखिए आप देखेंगे ये कितना घना और हेल्दी हो गया है पौधा। इसको ये देखिए तार से बांध रखा है, ये देखिए छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। इतना सारा, इतना बड़ा पौधा, मुझे भी खुद हैरानी हो रही है। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, और ये परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है और फूल देने वाला। ख़ास तौर से बारिश में तो ये इतना मतलब गजब की फ्लावरिंग होती है। देखिए अभी हर टहनी में जब फूल लग जाएंगे तब मैं वीडियो इसका डालूंगी, थोड़ा सा दूर से कैमरा करती हूँ। ये देखिए कितनी टहनियाँ हैं इसकी जो पत्तों से लदी हुई है। हमारे गार्डन का सबसे अच्छा पौधा है ये और परमानेंट प्लांट है। अब मैं इसको हल्का करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है। ये देखिए ये कटिंग से लगता है, देखें दोस्तों। और इसकी जो टहनी है इतना ज़्यादा घना है कि मैंने अभी तक जब से इसे लगाया है तब से मैंने इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कितना मतलब कितनी घनी इसकी जो है पत्ते हैं। और फूल जब आएंगे तो इसमें गुच्छों में फूल आते हैं बहुत ही। ये कई वैरायटी का होता है, रेड कलर का, वाइट कलर का और येलो कलर का। ये मेरे पास वाइट कलर का है जो कि वाइट कलर तो सब रंगों का राजा है। और देखिए इसमें एक ही टहनी में, नन्ही सी टहनी में तीन ब्रांचेस निकली हुई हैं। देखिए आप ये देखिए तो बिना किसी फर्टिलाइज़र के एक टहनी वहाँ से आई हुई है, ये देखिए। और ये इधर ये देखिए तीन टहनियाँ निकली हुई हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं, एक वो, एक ये और एक ये। तो इस पौधे को आप लोग ज़रूर लगाएं। बिगनर्स के लिए मैं यही राय दूंगी कि इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करें ताकि ये परमानेंट प्लांट है, कम केयर में चलने वाला, कम फर्टिलाइज़र में। और हाँ ये धूप का पौधा है, इसे धूप में आप रखोगे तो हमारी फ्रेंड्स ये देखिए ऊपर हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए हेलो, तो वो भी खड़ी देख रही हैं, सुन रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। भाई साहब भी हैं ऊपर, देखिए। तो मैं बिगनर्स से यही चाहूँगी कि इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बेस्ट प्लांट है ये। आपको ये 40 से 50 रुपए में मिल जाएगा या कटिंग कहीं रोड साइड से मिलती है वो भी आप ला के लगा सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।